जैसे ध्यान में लीन योगी, जैसे ध्यान में लीन योगी एक एक करके सब कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, सब कर्मों को भस्मीभूत कर देते हैं, जला डालते हैं, हटाकर दूर कर देते हैं, ऐसे ही सूर्य की एक एक किरण के फूटते ही संपूर्ण काला अंधकार, काली रात्रि नाश को प्राप्त हो गई। वह ऐसे भाग गई जैसे शरण को सिर्क सिंह को देख करके हिरण चौकड़ी भरता है, ऐसे ही भोर के होते ही वह रैना दूर भाग खड़ी हुई। और द्वारपालों को तुरंत उन्होंने आदेश दिया, संपूर्ण द्वार संपूर्ण सभा को आमंत्रित किया जाए और संपूर्ण सभासदों को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि हमें भगवान की ध्वनि सुनने के लिए चलना है। जाकर के एक एक अंग को सुसज्जित किया, दैनिक क्रियाओं को पूर्ण किया, अपने शरीर को आवरणों से युक्त किया और पूरे दल बल के साथ जाकर के सैनिक अपनी सभागार में जाकर बैठ गए। द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि सभी सभासद और सभी आपके आज्ञानुचरी आपकी प्रतीक्षा में हैं। वहाँ से सभी के साथ सैनिक अपने हथनी के ऊपर सवार होकर के और टकटकी इस रास्ते की ओर लगाए जहाँ गणधर परमेष्ठी गौतम बैठे हुए थे, ऐसे उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता उनको इतना कठिन और इतना दुर्गम लग रहा था, उनको लग रहा था शायद मेरे जीवन में इस रास्ते को मैं पहली बार तय कर रहा हूँ, इतना लंबा यह रास्ता, इसको तो कभी मैंने, जबकि उस रास्ते से हजारों बार निकले होंगे, लेकिन जब मन में कुछ चाह होती है, कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा चल रही होती है, उस समय तो एक एक क्षण भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो तत्व को सुनने के लिए जिनके मन लालायित था, ऐसा उस श्रेणी के लिए वह रास्ता बहुत विशाल बड़ा लंबा लग रहा था। और वह चलते चलते कभी बहुत सारी भीड़ और उस रास्ते में आ जाया करती थी, क्योंकि राजा को देखने बहुत भीड़ आती, एक सेलिब्रिटी आ जाए, करीना कपूर आ जाए, तो फिर देखो, वो हमें याद आ गया, हमारे एक बार आई थी जिस मॉल में, जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस था, उस कॉम्प्लेक्स में नीचे काइनेटिक का शोरूम था हीरो होंडा का, तो वहाँ पे एक बार करीना कपूर आई थी, करिश्मा कपूर। तो हमने देखा, हमने कहा क्या हो गया, कुछ इधर कुछ घटना वटना घट गई, लड़ाई झगड़े हो गए क्या? बाद में पता लगा 5-10 मिनट के लिए करिश्मा कपूर आई है, उसके लिए भीड़ लगी हुई है। हमने कहा बताओ, एक स्त्री को देखने के लिए ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ बैठे हो रहे हैं लोग, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं लोग, उसमें क्या है, स्त्री तो है, सामान्य तो है, क्या विशेष है, उसको देखने के लिए भीड़ लगा के। ऐसे ही जब कोई सेलिब्रिटी निकलता है, तो मुझे सुधा सागर जी आए थे, अब सेलिब्रिटी भैया बेबी बड़े, तो उनको देखने कैसी भीड़ हो रही थी, चरण छूने के लिए लोग गिर गिर पड़ रहे थे कि एक स्पर्श मात्र तो कर लें। ऐसे ही जब बड़े लोग निकलते हैं तो ये नज़ारा सामान्य है, ऐसा होता ही है। तो जैसे ही सैनिक अपने नगर से बाहर निकले, महल से बाहर निकले, नगर के सारे लोग झुंड बनाकर उनके सामने आ जा रहे थे, कोई राजा को स्पर्श करना चाहता था, कोई राजा के मुख से कुछ वचन सुनना चाहता था, कोई चाहता था राजा हमें देख के मुस्कुरा तो दे, कोई अपने जैसा, कोई सोचता था जैसे अपन सोचते गुरुजी एक नज़र डाल तो दें, कोई वो भी ऐसा सोच रहे थे कि राजन हमारे ऊपर एक दृष्टि तो डाल दें। इस प्रकार से बहुत कोलाहल मचा हुआ था और राजा इतना विह्वल था, इतना उत्सुक था वहाँ जाने के लिए कि वह स्वयं ही चिल्लाने लग गया, अरे भैया सामने से हटो, निकलने दो हमें, जाने दो हमें, इस प्रकार के वहाँ पर शब्द हो रहे थे। और जो राजा के अनुचर थे वो सभी भीड़ को तितर बितर करने में लगे हुए थे, दूर हटाने में लगे हुए थे, ताकि राजा का मार्ग सुगम होता चला जाए। और जो भीड़ थी वो भी राजा के साथ साथ चलने लग जाती थी। ऐसे हजारों लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर बहुत बड़े समूह के साथ वे राजा जहाँ पर गौतम स्वामी एक वन में वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, वहाँ जा कर के, और दूर से ही जैसे ही वह वन को देखा, उद्यान को देखा, वैसे ही वहाँ से अपनी हथनी से उतर नीचे उतर करके और वहीं से दंडवत करते हुए, नमस्कार करते हुए वे गौतम स्वामी गणधर परमेष्ठी के पास राजा श्रेणी पहुँचे और जा कर के उनकी बहुत भारी उत्सव किया, बहुत भारी पूजन की, उनके पादों का प्रक्षालन किया और मुनिराज के चरणों में बार बार
भक्तिपूर्वक निवेदन करते हुए उनकी तीन प्रदक्षिणा दी। ये विधि है मुनिराजों के, महामुनिराजों के दर्शन की विधि है। बिना प्रदक्षिणा के आपका दर्शन विधि पूरी नहीं होती है, भगवान की भी बिना प्रदक्षिणा की विधि पूरी नहीं होती है। जब मंदिर जाओ सबसे पहले क्या करना चाहिए, मंदिर जाते हो सबसे पहले क्या करते हो, घंटा बजाया, प्रवेश किया, उसके बाद वेदी के सामने पहुंच गए, फिर क्या करते हो, जल्दी बोलो, नमस्कार करते हो भगवान को, फिर अर्घ चढ़ाते हो, फिर कोई भक्ति आदि पढ़ते हो, फिर एक कायस्थर करते हो, ये करते हो ना, गलत करते हो। सबसे पहले भक्ति पाठ नहीं पढ़ना पड़ती है, सबसे पहले तो तीन भगवान की भगवान की तीन परिक्रमा देना होती है। जैसे ही प्रवेश करते हैं भगवान को धोख दे करके सबसे पहले भगवान की तीन प्रदक्षिणा दो इस बात के लिए, हे भगवान मैं इस संसार में तीन लोक में निरंतर में भटकते ही आया हूँ, संसार चक्र को भोगते आया हूँ, चारों गतियों के 84 लाख योनियों के दुखों को कष्टों को मैं भोगते आया हूँ, अब इनके चक्कर काटते काटते बहुत समय हो गया है, अब मैं आपके चक्कर काट रहा हूँ ताकि इनके चक्कर काटना बंद हो जाए। हमारे कविराज को देखो एकदम से जोश आ गया, अखिलेश भैया, अखिलेश ना नाम भूल जाते हैं, हमारे बड़ी बीमारी है हमारे साथ, क्या करें। अखिलेश भैया सबसे पहले तीन प्रदक्षिणा देकर के भगवान के सामने निवेदन करते हैं, हे भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाश को प्राप्त हो जाए, ऐसा चाहते हो आप, चाहते हो क्या, सही में चाहते हो क्या, कहाँ चाहते हो ऐसा, जन्म जरा मृत्यु का विनाश चाहते हो, जन्म जरा मृत्यु का विनाश चाहते हो और शरीर को श्रृंगारित करने में लगे रहते हो, खाने पीने में शरीर को पुष्ट करने में लगे रहते हो, पूरी पाप की क्रियाओं में ही लगे रहते हो, पाप की क्रियाओं से जन्म जरा मृत्यु विनाश होगा क्या, धर्म की क्रियाओं से होगा, पुण्य की क्रियाओं से होगा और ध्यान को, ध्यान अग्नि में कर्मों को झुलसाने से होगा, ऐसे थोड़ी होगा जाके बोल दिया जन्म जरा मृत्यु विनाश कर दो, वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो तो बैठे हैं देखाने के लिए, हम बैठे हैं तुम आओ और हमसे सीख लो और कर लो और चले जाओ, हम ना कुछ करने आने वाले हैं ना कुछ देने आने वाले हैं, देना लेना व्यापारियों का काम होता है, रागियों का काम होता है, वीतरागियों का वैरागियों का काम देना लेना नहीं होता है, जो देने लेने काम में लगे ना वे सब वीतरागी के वैरागी के वित्तरागी, निर्णय स्वयं कर लो, वीतरागी वैरागी या फिर वित्तरागी, वित्त मतलब संपत्ति पैसा, वित्तरागी, इसलिए देने लेने के कार्यों का काम, देने लेने के कार्यों में निर्गंत तपोधनों का कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे भी प्रयोजन निष्प्रही संत गौतम गढ़धर परमेष्टि निष्प्रह वृत्ति से युक्त होकर अपने शिष्यों को आगम का उपदेश देते हुए वहाँ विराजमान थे, वहाँ पहुँच करके बहुत भारी पूजा के साथ सबसे पहले तीन प्रदक्षिणा दी, प्रदक्षिणा दे करके बैठ करके गवासन से राजा सैनिक ने उन गढ़धर परमेष्टि को और सब मुनिवर्णों को नमस्कार किया। आप लोग तो ऐसे ही करते हो ना, बैठ के गवासन से नमस्कार करो, फिर खड़े होकर के फिर कोई स्तुति पाठ आदि करो, अहो जगत गुरुदेव, अब सब भूल भाल तो गए हो आप, कहाँ आप सुनने को मिलती हैं, अब तो ये विनतियाँ सुनने को नहीं मिलती, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, ये अरे बस बस बस, बस। ये स्तुतियां जब मंदिरों में गूंजती थी तो वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता था, प्रवेश करने वाले का मन गेट पे आने पर ही पवित्र हो जाता था स्तुति भक्तियों को सुन करके। अब तो लोग, एक तो समस्या ये भी हो गई ना, लोग स्वतंत्र स्वतंत्र हो गए हैं, जो सामूहिक पूजा का आनंद था वो आपको लेना आपने बंद कर दिया है, अकेले अकेले करने लग गए हो पूजन, कुछ इस इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं, ना वो आनंद ले पा रहे हैं ना ये आनंद ले पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनके में पूजन में मिक्स हो रहा है, ये बोल रहे हैं उनकी पूजन में मिक्स हो रहा है, इनने बोला ओम रीम रम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, वो कह रहे हैं पार्श्वनाथ है स्वाहा, अब शांतिनाथ करके चढ़ाए क्या पार्श्वनाथ करके चढ़ाए पता ही नहीं पड़ पाया, और फिर गुस्सा हो रहा है बीच में,
इतने जोर से बोल रहा है, हमें पढ़ने नहीं दे रहा है। अरे एक साथ सामूहिक रूप से जब पूजन करते थे, एक पंक्ति इस तरफ से एक लाइन पढ़ती थी, दूसरी पंक्ति अच्छे स्वर से ऊंचे स्वर से, दूसरी पंक्ति इधर से पूजन। हम लोग तो भैया देखो ऐसे ही पूजन करते थे, हम बूढ़े नहीं हो गए, हम अभी बूढ़े नहीं हुए अभी हम अभी, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही पूजन करते थे। कम से कम 30-35-40 लोग एकत्रित होकर पूजन करते थे। हम जिस वेदी पर पूजन करते थे, ऐसे बहुत सारे युवा एक साथ होकर के हम लोग पूजन करते थे। और संडे को तो हमारे यहाँ की पूजन का दृश्य देखने लायक होता था। बच्चे लोग सुन रहे हो क्या? संडे को तो हमारे यहाँ की पूजन का दृश्य देखने लायक होता था। मंदिर के हॉल में जगह नहीं मिलती थी, और जो बुजुर्ग माताएं होती थीं, वे माताएं भले ही चाहे आधा घंटा उनको इंतजार करना पड़े बैठ के, लेकिन इंतजार करती थी कि पाठशाला के बच्चों की पूजन प्रारंभ होगी, उनके साथ ही आज हम पूजन करेंगे। देखने लायक पूजन होती थी। और ऐसा नहीं करते थे हम लोग कि इतनी सी थाली ले ली, माँ में 4-6-8 टूटे हुए चावल रख लें, 2-3 बादाम रख लें, और बादाम अलग भग रही है, चावल अलग भग रहे हैं, चटक अलग भग रही है, बेचारी बरसात का सीजन है तो चटक में फफूंद ही लग गई ऐसी। ये पूजन ऐसा द्रव्य तो स्वान को भी नहीं डाला जाता है। ऐसी द्रव्य से जब आप पूजन करोगे तो क्या फल प्राप्त करोगे? सड़ी द्रव से पूजन की जाती है क्या? देखते रहते हैं मंदिरों में सड़ी चटकें चढ़ती रहती हैं, फपून लग गए। कितनी लोग प्रवृत्ति है जीव के अंदर, कितनी लोग प्रवृत्ति है जीव के अंदर कि उससे चटकें भी नहीं छूट पा रही हैं। 10-15 रुपया का एक गोला आता है, उसकी इतनी चटक बन जाती हैं, 8-8 दिन चल जाती हैं वे। 10 रुपया का गोला, 8 दिन चटकें चल रही हैं, और चटक चलो ठीक है 8 दिन चला भी लो तो कम से कम फपून जाती हैं, तो उनको साइड में कर दो, उनको हटा दो। अब थोड़े भी चढ़ाने लग रही हैं। 3 लोग के नाथ को फपूंदी चटक चढ़ाओगे तो फल क्या मिलेगा? ये तो तिरस्कार हो गया। बासी कूसी किसी को दो, मेहमान आए घर में, माँ एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में समधी आ जाए तो उनको क्या 8 दिन पुरानी बासी को टकता खिलाते हो क्या? कि बच्चा बचा के बासी पूड़ी रख ली सुखा सुखा के, हमारे समधी आएंगे तो उनको खिलाएंगे? कि मालटाल बना खिलाते हो? जोर से तो बोलो, बोलती बंद हो गई, बोलो तो जरा। मालपुआ बना बना के खिलाते हो? नहीं खिलाते। माल्टा बना के खिलाते हो? नहीं खिलाते। माल्टा का जूस आपके, हम नई चीज देखी माल्टा। जब एक सामान्य संसारी व्यक्ति आपका संबंधी आया है, उसको पकवान और सुंदर सुंदर बहुत बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बना बना करके उसको खिला रहे हो, तो 3 लोग के नाथ के वैल्यू क्या आपकी नजरों में आपके समधी से भी कमजोर है? और फिर भी ताली ठोक रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। अरे जिसके पूजन से, जिसकी भक्ति से आपको संपदा की प्राप्ति होती है, जिसकी भक्ति पूजन से आपको यश की प्राप्ति होती है, जिसकी संपदा, जिसकी भगवान की भक्ति और पूजन से आपको संपूर्ण जगत के जितने भी वैभव मिलते हैं, वे सारे वैभव भगवान की भक्ति से प्राप्त होते हैं, उसमें कंजूसी करोगे तो फल को प्राप्त कहाँ से होगे? इसलिए इतनी चिन्नू चिन्नू सी चटक नहीं चढ़ाई राजा श्रेणी ने, ये विशाल विशाल थाल भर भर करके अपने द्रव्य घर से लेकर गया था, अपने महल से लेकर गया था। उन द्रव्यों को ले जा करके भगवान की, उनकी आचार्य भगवंत आचार्य नहीं गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी की बहुत भारी महोत्सव के साथ और पूरे दल बल के साथ गीत संगीत के साथ पूजन को प्राप्त हुआ, और पूजन करके करबद्ध हुआ, करबद्ध होकर के निवेदन किया कि हे भगवान, कल जब समोषण में भगवान जिनेन्द्र का उपदेश हो रहा था, उसमें उन्होंने नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि आदि महापुरुषों का वर्णन किया। उस वर्णन में उन्होंने पद में श्री राम बलभद्र का नाम लिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि वह राम कौन थे, वह राम कैसे थे, और बलभद्र पद उनको कैसे प्राप्त हुआ, उनका आचरण कैसा हुआ करता था, वे कैसे राज्य संपदा को संभालते थे, उनके राज्यकाल में प्रजा कैसे जीती थी, और अनेक अनेक उसने प्रश्न कह डाले, जितने मन में रात भर में सोचे होंगे ना, सारे के सारे एक के बाद एक पंक्तिबद्ध ढेर सारे प्रश्नों को झाड़ी लगा करके निवेदन किया। हे भगवान, हमें उन रामचंद्र जी के चारित्र का वर्णन करके उपकृत कीजिए, क्योंकि लोक में बड़ी भ्रांतियां हैं। इस लोक में
रामचंद्र जी और उनके काल को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। कोई ऐसा बोलता है कि रामचंद्र जी के समय में रावण हुआ था जो विद्याधर था, लेकिन उसको लोग राक्षस मानते हैं। लोगों का मानना है कि वह जो रावण था राक्षस था और वह नर आदि जीवों का मांस खाया करता था और बहुत अत्याचारी था, अत्याचार किया करता था। और वह रावण उसका बहुत विशाल साम्राज्य था, जिस साम्राज्य का वह भूपति था। और उसका जो भाई था कुंभकर्ण, वह तो विचित्र ही लोक का प्राणी था कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता रहता था। उसको ऐसे उठाया नहीं जा सकता था, उसको उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े भारी पकवानों को बुलाया जाता था, हाथियों को उसके ऊपर चलाया जाता था और बहुत सारे भाले आदि उसके ऊपर छेदे जाते थे, तब जाकर उसकी निद्रा भंग होती थी और भंग होते ही वो उन्हीं लोगों का उठा करके भक्षण कर लेता था। रक्षा हो हमारी, इसलिए उसको बहुत सारे भारी भारी पकवान बनाकर खिलाए जाते थे। क्या ऐसा कुंभकर्ण का स्वरूप था? और लोक में ऐसी भी मान्यता है कि साक्षात रावण के द्वारपाल इंद्र हुआ करता था, इंद्र उसके घर में उसकी सेवा किया करता था। जो इंद्र सौधर्म इंद्र स्वर्ग का अधिपति है, जो इंद्र विक्रिया आदि रिद्धियों से संपन्न है, जो इंद्र देवों के सारे देवों के ऊपर अपनी आज्ञा अपना साम्राज्य चलाता है, क्या वह देव रावण को के द्वारा जीता जा सकता है? ऐसा लोक में प्रचलन है कि रावण ने इंद्र उन रावण के पुत्र इंद्रजीत ने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए रावण के बंदी गृह में वह इंद्र बंदी बनकर रहता था और रावण का अनुचर बनकर के उसकी सेवा किया करता था। ऐसी लोक में किंवदंती है। तो क्या वास्तव में रावण का ऐसा स्वरूप था? और वास्तव में इंद्र जैसा देव रावण के घर पर चाकरी किया करता था? और भी सुनने में आता है कि हनुमान जो कामदेव थे, रूप लावण्य से युक्त थे, मोक्षगामी जीव थे, वे वानर पर्याय से थे। तो क्या संभव है कि एक वानर मोक्ष को प्राप्त कर ले? और यदि वो वानर थे तो उनके वंशज वर्तमान में उनका मुख पूंछ आदि वो क्यों विलीन हो गए, अब क्यों ऐसा दिखाई नहीं देता है? इसलिए भगवान बहुत सारे प्रश्न मेरे मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के वह राजा श्रेणिक गौतम गणधर परमेष्टि के चरणों में नमस्कार को प्राप्त हुआ और अपनी सारी जिज्ञासाओं को उनके सामने उड़ेल दिया और उथल पुथल मची हो, ये कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा। और जैसे ही आचार्य भगवंत मिल जाते हैं तो एक ठंडी सांस लेते हो, आचार्य भगवंत मिल गए, आज तो हम अपने सारे के सारे प्रश्नों का समाधान ले ही लेंगे। ऐसे ही जैसे ही भगवान गणधर परमेष्टि उसको देखे, उन्होंने तुरंत आज तो गणधर परमेष्टि मिल गए, अब तो हम सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर ले ही लेंगे। जब निवेदन करके श्रेणिक और उनका पूरा दल आसन पर नीचे भूमि पर विराजमान हो गए, देखो भैया ऐसा है, श्रेणिक कहाँ बैठे हैं, भूमि पर बैठे हैं, और सुमे सभा में आकर के तुम्हें सबसे पहले चटाई और वो देखते हैं व्यवस्थित जगह है कि नहीं है,